गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने एक्सरसाइज 7.7 के 5 तक हमने कर लिए थे। आज हम देखो 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पे भी देखो हम लोग कम्प्लीटली द स्क्वेयर मेथड लगाएंगे। तो कम्प्लीटली द स्क्वेयर मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं, एक्स का कोफिशेंट हाफ करेंगे। तो 4x, 4 है उसका हाफ किया तो 2, तो उसका स्क्वेयर ऐड कर देंगे, वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस में 5 इंटू में dx। तो फर्स्ट 3 टर्म तो कंप्लीट स्क्वेयर बन गया। तो ये बन गया आपके पास x प्लस में 2 का होल स्क्वेयर और ये माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 9 बन जाएगा इंटू में dx। तो 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वेयर, तो रूट एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वेयर, 9 को क्या लिखें 3 का स्क्वेयर dx। तो इसको लिखेंगे फिर क्या लिखते हैं, एक्स बाई 2, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 2 है, बाई 2 रूट सेम लिखते हैं, सेम मतलब यूं का यूं है, एक्स प्लस में 2 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर। फिर इसका कोफिशेंट, ए स्क्वेयर का कोफिशेंट नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। फिर क्या ए स्क्वेयर बाय 2, फिर देखो ये साइन का तो बनता नहीं, तो लॉग में बन जाए, लॉग एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या एक्स प्लस में 2, प्लस में सेम मींस एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वेयर माइनस में 3 का स्क्वेयर और प्लस में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। तो इसका रीजन लिख देते हैं, हमने कौन सी फार्मूले का यूज किया है, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स बोथ एक्स बाय 2 सेम, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और फिर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस में सेम एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और प्लस में सी, हमने इसका यूज कर लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम लोग। तो ये तो x बाय 2 ही रहेगा और देखो ये किसका कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड बनाया था, एक्स स्क्वेयर प्लस में 4x माइनस में 5 जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। ये क्या बन जाएगा 9 बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस में 2 प्लस में, इसको फिर सिंप्लीफाई करें अगर तो वही बन जाएगा क्या एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस में 5 और प्लस में सी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो रूट इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 1 भी माइनस हो जाएगा इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x, एक्स का कोफिशेंट 3 है तो 3 बाई 2 का स्क्वेयर ऐड कर लेंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस 1 ऑलरेडी है तो इनटू में डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ रूट माइनस, ये तो कंप्लीट का स्क्वेयर, बीच में माइनस है तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर बन जाएगा और माइनस में ये बन गया 9 बाय 4 माइनस 1 इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट माइनस, तो ये एक्स माइनस में 3 बाय 2 का होल स्क्वेयर और ये 4 बन जा 4 तो माइनस का 13 बाय 4 आ गया
इंटू में डी एक्स। तो इसको देखो फिर कैसे चेंज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ रूट माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, इसको देखो कैसे ले √13 और बाय 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको, इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट माइनस को अंदर करेंगे तो फ्लिप हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो √13/2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब इस पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, वो लिख देता हूँ पहले कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ रूट ये ए है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई टू, रूट सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशेंट पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाय टू, अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का तो साइन इनवर्स बनेगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस में सी, इसका यूज कर लेंगे हम लोग। तो उसके अकॉर्डिंग देखो फिर क्या बनेगा, ये इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल तो अब करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास फिर देखो एक्स बाय टू, एक्स के प्लेस पे क्या एक्स माइनस में 3/2 रूट सेम √13/2 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है √13/2 का होल स्क्वायर और बाय टू, फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस 3/2 बाय ए, ए के प्लेस पे √13/2 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी, तो इज इक्वल टू इस कैल्शियम लेंगे तो 2x माइनस में 3, इसके डिवाइड में 2, इसके डिवाइड, तो ये ऐसे लिख लेते हैं चलो, तो ये तो ऐसे बन गया आपके पास, होल डिवाइड में 2 है तो रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिसका कंप्लीट द स्क्वायर बनाया था वही लग जाएगा 1 प्लस में 3x माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यही बन जाएगा ये भी, तो 1 प्लस में 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको करते स्क्वायर किया तो 13/2 का तो 13/4 हो जाएगा और डिवाइड में 2, साइन इनवर्स एक्स इस कैल्शियम लिया तो 2x माइनस में 3/2 होल डिवाइड में √13/2 और प्लस में सी, तो इसको लिखते फिर तो ये 2/1 है तो 1/2 तो 4 हो जाएगा, यहां तो बनेगा 2x माइनस में 3/4 हो जाएगा, रूट 1 प्लस में 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी 1/2 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा 13/8 हो जाएगा साइन इनवर्स, तो दोनों के डिवाइड में 2 है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ऊपर 2x माइनस 3 डिवाइड में √13 और प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट में भी देखो उसी टाइप से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ही तो यूज करेंगे हम लोग, रूट के अंदर जब भी ऐसा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, तो इसका कोफिशेंट का हाफ 3/2 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नंबर तो इसमें कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, ऐसे ही रखेंगे इसको, तो इंटीग्रल ऑफ रूट फर्स्ट 3 को मिला के फार्मूला बन गया ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 3/2 को का होल स्क्वायर है इंटू में डी एक्स, तो देखो बन गया फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो वो क्या होती है एक्स प्लस में 3/2, माना एक्स बाय टू करते हैं ना एक्स के प्लेस पे ये है,
फिर रूट के अंदर सेम एक्स प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, फिर इसका कोफिशियंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ए स्क्वेयर बाय टू मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर बाय टू, और ये लॉग वाला लग जाएगा लॉग एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या एक्स प्लस में 3/2 और फिर प्लस में सेम, सेम का मतलब एक्स प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये तो बनेगा 2x प्लस में 3 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड में 2। तो ये तो देखो कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड बनाया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, तो दोबारा से वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में ये देखो क्या बना 9/4 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस में 3/2 प्लस में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो वही बन गया अभी जो किया था एक्स स्क्वायर प्लस में 3x बन जाए और प्लस में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। तो इसको फिर लिखेंगे तो ये 2/1 1/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x प्लस में 3 डिवाइड बाय 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस, तो फिर ये 2/1 ही है तो 1/2 माइनस क्या बन गया 9/8, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस में 3/2 प्लस में रूट एक्स स्क्वायर 3x और प्लस में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को करने के दो तरीके हैं, तो 1/9 कॉमन ले लो माना बाहर 1/3 आ जाएगा, या एज इट इज इसको यूं का यूं ही चेंज कर लो तो रूट 1 प्लस पे एक्स बाय 3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको। अब देखो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो तो गया, लेकिन अब एक्स का कोफिशियंट 1 नहीं है इसमें, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा इसमें लेट करना पड़ेगा, फिर लेट एक्स बाय 3 इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बाय 3 का तो 1/3 बन गया और उधर से डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, दिस इंप्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू 3dy बन जाएगा ये। तो देखो फिर इंटीग्रल चेंज कैसे हुआ, आई इंटीग्रल तो ये तो बन गया 1 प्लस में वाई स्क्वेयर बन गया ये और dx के प्लेस पे 3dy, तो 3 को तो बाहर ले लेते हैं कॉमन माना रूट 1 प्लस में वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बन गया। अब x के प्लेस पे y है बस फार्मूला उसी तरह से करेंगे, तो 3 तो बाहर कॉमन है ये तो ऐसे ही रखेंगे तो क्या बन जाएगा x बाय 2 लेकिन अब y बाय 2 आएगा सेम 1 प्लस में y स्क्वायर, फिर इसका कोफिशियंट पॉजिटिव है तो प्लस a स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर बाय 2, अब ये लॉग में बन जाएगा लॉग ऑफ x के प्लेस पे y है प्लस में सेम 1 प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c, ये सब के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख लेंगे 3। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y क्या हमने लेट किया था x बाय 3, तो y की वैल्यू पुट कर लेंगे x बाय 3 होल डिवाइड बाय 2 रूट 1 प्लस में फिर y आ गया तो x बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ फिर y x बाय 3 प्लस में रूट 1 प्लस में x बाय 3 का होल स्क्वायर और प्लस में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c।
तो थ्री ब्रैकेट में, तो ये तो क्या बन गया, x बाय सिक्स बन गया ना, वन बाय टू हो जाएगा, ये बन गया आपके पास वन प्लस में एक्स स्क्वायर बाय नाइन प्लस वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स बाय थ्री प्लस में रूट वन प्लस में एक्स स्क्वायर बाय नाइन बन जाएगा और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री टू जा सिक्स, यहाँ तो टू आ गया। इधर देखो यूं का यूं रखेंगे तो भी सही है, या एलसीएम लेंगे तो इसका देखो क्या बनेगा, नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर बाय नाइन, नाइन एलसीएम आएगा, तो ये इस तरह से बन गया। फिर थ्री की इसके साथ मल्टीप्लाई तो थ्री बाय टू लॉग ऑफ इधर से बनेगा एक्स बाय थ्री प्लस में, फिर इसका भी एलसीएम लेंगे उसी टाइप से, तो ये नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर बाय नाइन प्लस में सी। तो इसको लिखा जाएगा फिर एक्स बाय टू रूट नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर और थ्री का रूट सॉरी नाइन का थ्री आ जाएगा, ये थ्री बाय टू लॉग ऑफ एक्स बाय थ्री प्लस में रूट नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर बाय थ्री और प्लस में सी। तो एक्स बाय क्या बन गया, ये सिक्स रूट नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री बाय टू लॉग ऑफ एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस में रूट नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में थ्री है ना प्लस में सी। तो एक्स बाय सिक्स रूट नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री बाय टू लॉग ऑफ, अब देखो लॉग एम बाय एन, लॉग एम माइनस एन लिख सकते हैं हम लोग इसको, एम के प्लेस पे तो एक्स प्लस में रूट नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर है माइनस में एन, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लॉग थ्री हो जाएगा और ये उसके साथ मल्टीप्लाई तो थ्री बाय टू प्लस में सी। फिर इसको लिखा जाएगा एक्स बाय सिक्स रूट नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट नाइन प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये भी कांस्टेंट है और ये सी भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन दोनों की जगह एक या तो के रख लो, कुछ भी रख लो या कैपिटल सी बना दो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, क्या अगर आप लोग इसको वन बाय नाइन कॉमन ले लोगे इसमें से तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा बजाय इसके, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट की समस्या दूर हो जाएगी आपकी जो हमने लॉग वगैरह में लिखे हैं, तो आप इसमें से वन बाय नाइन कॉमन लेके कर लेना ईजी होगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन और इलेवन मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन है, तो हमें ये बताना ये किसके इक्वल होगा। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाएगा इसका, तो ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर का, तो पहले लिख लेते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ रूट वन प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स, तो क्या लिखते हैं, एक्स बाय टू लिखा जाता है पहले, फिर सेम वन प्लस में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ए स्क्वेयर का कोफिशियंट पॉजिटिव है तो ए स्क्वेयर बाय टू, अब क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स और प्लस में सेम, तो वन प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया एक्स बाय टू रूट वन प्लस में एक्स स्क्वेयर, ये वन बाय टू बन गया लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट वन प्लस में एक्स स्क्वेयर और प्लस में सी। तो ऑप्शन देख लो इसमें से कौन सा मैच करते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन में भी देखो अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं इसको इंटीग्रल ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस में सेवन इंटू डी एक्स, इसको करना हमें। तो ये लिख लिया हमने, तो देखो इसको कम्प्लीट द स्क्वायर मेथड लगा लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस में एट एक्स, एक्स का कोफिशेंट एट है तो उसका हाफ फोर, तो फोर का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, वही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और प्लस में सेवन ऑलरेडी है डी एक्स, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट, ये तो फार्मूला बन गया, एक्स माइनस में फोर का होल स्क्वायर, सिक्सटीन प्लस में सेवन, सिक्सटीन प्लस में सेवन तो माइनस के नाइन बच गए आपके पास, इंटू में डी एक्स, नाइन को क्या लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स माइनस में फोर का होल स्क्वायर माइनस में थ्री का स्क्वायर। तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, एक्स बाई टू, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस फोर बाई टू, सेम एक्स माइनस में फोर का होल स्क्वायर माइनस में थ्री का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स, और प्लस में सेम एक्स माइनस में फोर का होल स्क्वायर माइनस में थ्री का स्क्वायर, और प्लस में सी, तो ये बन गया आपके पास एक्स माइनस में फोर डिवाइड बाई टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो वही कंप्लीट स्क्वायर लग गया, किसके ऊपर एक्स स्क्वायर एट एक्स प्लस में सेवन पे अप्लाई किया था, ये बन गया आपके पास नाइन बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस में फोर प्लस में, इस पे भी वही एक्स स्क्वायर माइनस में एट एक्स प्लस में सेवन, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो ऑप्शन मैच में कर लेते हैं हम लोग, एक्स माइनस फोर बाई टू माइनस नाइन बाई टू, तो यहाँ तो नाइन बाई टू इसमें भी नहीं है नहीं इसमें भी, तो ये रह गया, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।